क्या कहलाता का लास्ट डे शूट हुआ कैसा रहा, मतलब कभी जो है कैरेक्टर हाँ। खत्म हो चुका है, क्या कहना चाहिए? देखो मैं तो कायरव को बहुत ज्यादा मिस करूंगा, जो मेरा कैरेक्टर था ना कायरव, बहुत मस्ती की। मतलब एक बार तो हमने ऐसे क्या था, सीक्रेट है, किसी को कुछ नहीं पता, कभी किसी को, इसको ना सीक्रेट ही रहने देते हैं, वो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बहुत डांट पड़ेगी मुझे। ठीक है, बता ही देता हूँ। कायरव के कैरेक्टर से क्या क्या आपने सीखा, थोड़ा आप कुछ बताना चाहिए? हाँ, मैंने कायरव के कैरेक्टर से ना मतलब आर्ट सीखा, क्योंकि कायरव को ना आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पेंटिंग्स करना उसको अच्छा लगता है, और बहुत मज़ा, मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा पर मुझे अच्छा लगने लगा है, मैंने तो पेंटिंग्स करना भी सीखी है, बहुत मज़ा आता है पेंटिंग्स करने में। आपने क्या क्या सीखा, मतलब आपकी जो पोस्ट थे, मौसम भैया थे, शिवांगी थी, कई सारे बड़े बड़े सीनियर एक्टर भी थे, तो उनसे क्या क्या आपने सीखा, उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया, कुछ आप बताना चाहिए उनके बारे में? हाँ, सबसे पहले तो मैं सचिन सर है ना, अपने मनीषा मेरे दादू जो बने, वो मतलब मेरे फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट मेरे वही थे, क्योंकि हमेशा वही हमारे हमको चीज़ें सिखाते थे, हमारे साथ गेम्स खेलते थे, मस्ती करते थे। एक बार आई थिंक सो हम लोग हाँ कहाँ पे थे, वो गुजरात में एक जगह थी यार, हाँ ट्री रिसॉर्ट में थे। हाँ, ट्री रिसॉर्ट में थे हमने ना, मतलब एक वो चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था कोई, तो हमने ना मतलब 7 बॉटल्स देखी, हमने 7 की 7 बॉटल्स ऐसे लगाई, फिर हमने एक बॉटल ली और वो बॉटल से ना मतलब 7 बॉटल्स गिराने की कोशिश की, जैसे बॉलिंग होती है ना वैसे हमने वो करने की कोशिश की, बहुत मज़ा आता था उस गेम में हमें। ओके, मैं हर टाइम से पूछता हूँ, मौसम भाई और शिवांगी जी से क्या क्या आपने सीखे, क्या क्या मस्ती किए, क्या क्या आप उनके साथ मस्ती करते रहे, क्या वो आपके साथ मस्ती करते थे? हम मतलब वो भी मस्ती करते थे, मैं ही मस्ती करता था, हम लोग मस्ती क्या करते थे, हम लोग सर पे बहुत गेम्स खेलते थे, और भी बहुत कुछ करते थे, सर पे गेम्स खेलते थे, मोबाइल पे गेम्स खेलते थे, स्पेशली शिवांगी जी मैं खेलते थे, हम लोग साथ में एक गेम है BGMI, हम वो लोग खेलते थे, बहुत मज़ा आता था हमें। मौसम भैया के साथ तो हमने फिर मतलब रनिंग गेम्स ही खेली है, मतलब पकड़म पकड़ा ऐसी कोई गेम्स, हाइड एंड सीक, बेस्ट हाइड एंड सीक वही खेली है। कोविड के टाइम जब आप गुजरात में थे, सब लोग डरे हुए थे, सब अपने घर में थे, आप लोग शूट कर रहे, तो आपको डर नहीं लगा कि हाँ शूट करना? अरे नहीं, डर तो बिल्कुल भी लगा, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग पूल था और सब कुछ सेफ था, मतलब बाहर जाना बंद ही था, मतलब 2 मंथ हम लोग वहीं पे लॉक रहे, और रूम्स भी इतने अच्छे थे, बहुत मज़ा आता था, मतलब स्विमिंग पूल होता था, हम लोग मतलब ऑलमोस्ट मतलब जाते ही थे स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि मेरे को ना बहुत मज़ा आता है स्विमिंग पूल में जाने में। और एक था बच्चों का पोर्शन, एक था बड़ों का पोर्शन में मुझे तो लगा था कि स्लोप होगा, पर स्लोप था ही नहीं, तो हम लोगों ने फिर लास्ट डे मतलब अराउंड 4 आवर्स या 3 आवर्स जो तेज रात का था लास्ट डे, वहाँ पे हमने मतलब इतनी स्विमिंग की, इतनी मस्ती की, बहुत मज़ा आया था हमें। तो वहाँ पे कितना और मस्ती की आपने, कुछ आप और कुछ बताना चाहिए, बाहर घूमने जाते थे आप लोग सब लोग? मतलब ट्री रिसॉर्ट के बाहर हाँ। नहीं, हम बाहर जा ही नहीं पाए थे, क्योंकि कोविड का भी डर था ना, मतलब बाहर चले गए तो फिर मतलब आ ही नहीं सकते, लॉक ही रहना पड़ता रहा हमें। फिर ऑफकोर्स हम लोग 2 मंथ्स के बाद हम लोग अपने घर आए थे, तो अच्छा फील हुआ था कि चलो घर आ गए, अब आराम करेंगे, अब मस्ती करेंगे। ओके, शो तो अभी आपका जो कैरेक्टर है पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कब आपको पता चला कि शो का कैरेक्टर खत्म हो चुका है? मुझे आई गेस अगस्त मतलब लास्ट डेज में पता चला था, 29th अगस्त 30th ऐसे कुछ अगस्त में मुझे पता चला था कि मेरा कैरेक्टर ख़त्म होने वाला है, और ऐसा था कि दो दिन बाद बस मैं तो मतलब ऐसा होता रहा, दो दिन बाद बस और जितनी मस्ती करनी कर लो, मतलब फिर उन्होंने मतलब ये भी 2 मंथ्स खींच लिया, फिर अक्टूबर में जाके उन्होंने बोला लास्ट डे, फिर लास्ट डे हमने ऐसी मस्ती की जो किसी को कुछ बता ही नहीं सकता। राजन सर ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है ये लेजेंडरी शो में काम करने के लिए, थैंक यू राजन सर। और कुछ एप्रिसिएशन दिया उन्होंने, जैसे आप फर्स्ट टाइम आप गए रहेंगे शो में, ऐसी कोई एप्रिसिएशन जो आपको काफ़ी पसंद आई? हाँ, राजन सर ने मुझे बहुत बार अप्रिशिएट किया है, मेरी एक्टिंग से अप्रिशिएट किया है, मतलब सर बोलते थे कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, मतलब आपसे सर तो मेरे मेंटर ही थे। ओके,
कुछ मैसेज देना चाहेंगे राजन सर के लिए आपका? हाँ, मैं राजन सर को मैसेज देना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच राजन सर, आपने मुझे इतने अच्छे शो में मतलब पहली बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, थैंक यू सो मच राजन सर। ओके, लास्ट डे शूट कैसा रहा? जिस दिन लास्ट डे शूट रहा तो क्या क्या किया आप लोगों ने? लास्ट डे शूट जो फेयरवेल पार्टी हुई थी, क्या क्या हुई थी पार्टी में? अपना हमने केक काटा था लास्ट डे, जो मतलब हम तीन लोग के लिए था, एक तो मैं था, एक मोहसिन भैया थे और एक सिद्धार्थ था, हम तीनों के लिए अलग अलग केक्स बने थे। उसमें लिखा था कुछ तो लिखा था हमारे नाम से कुछ लिखा हुआ था, एक में सिद्धार्थ का था, एक में मेरा था और एक में मोहसिन भैया का था। तो हमने वो केक खाते थे खाए थे, बहुत मज़ा आया था। उन्होंने क्या बोला मोहसिन भैया ने, क्या बोला लास्ट डे है क्या करना आपको? उन्होंने बोला आप ना बहुत अच्छा करते हो, और अच्छा करो और मतलब और अच्छा करो आप, मतलब वैसे भी बहुत अच्छा करते हो पर और अच्छा करो। ओके, उनका बर्थडे आ रहा है दो दिन बाद, अभी बर्थडे है तो क्या कुछ मिलने की तैयारी है कुछ? हाँ, फिलहाल फोन से तो पक्का बोलूंगा मैं उनको हैप्पी बर्थडे, पर मिलने का आई डोंट थिंक कम ही चांसेस लग रहा है, आई थिंक सो शायद मिल लूँ मैं उनसे। Okay.